डरना नहीं, जो करना है बस कर डालना है। स्टेशन? हाँ बैठो। सच कहूँ बदमा, तू सबको बोलते मत फिरना कि बिमला ने बोला करके। नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी बिमला दीदी, बोलो तो सही। उसको ना बच्चा नहीं हो सकता है, इसलिए ये सब कर रही है। सच? अच्छा जीनत, चलता हूँ, खुदा खुदा। टाइम से खाना खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगा। अरे पद्मा, विमला दीदी कैसी है? अच्छी हो जिंदाता। और बताओ ना ठीक से विमला दीदी। और क्या बताओ, जब औरत को बच्चा नहीं होता है ना वो। निलोफर जल्दी करना। हाँ आई, ये लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और विमला दीदी कैसे हो? पद्मा दीदी क्या नया पुराना? अरे निलोफर क्या नया पुराना, टाइम किधर है? ये खरीदी करके भी आ रही थी, पद्मा ने पकड़ लिया मेरे को, टाइम खोटे करती है मेरा। अच्छा अच्छा। सलीम, सलीम, ए सलीम, सलीम। विमला दीदी, सलीम को देखा आपने? नहीं तो मैं तो अभी बाहर आई। मैं बाहर गई तब सो रहा था, मैं चाबी भी लेके नहीं गई। ऐसे कैसे कहीं चला गया अचानक से? नहा रहा होगा। अरे हाँ, मैं भी ना। देख
हाँ जीनत बोलो। फैयाज, सलीम दरवाजा नहीं खोल रहा है और मेरे पास चाबी भी नहीं है। खिड़की से आवाज लगाई? हाँ, कब से 45 मिनट हो गए। उसकी टैक्सी भी बाहर खड़ी है। मुझे लगा पहले नहा रहा होगा, लेकिन अब जी घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फैयाज आ रहे हैं। सलीम, सलीम, ए सलीम, सलीम, ए सलीम, 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 सलीम दरवाजा खोल, सलीम। फैयाज भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा अंदर से बंद था मैडम, हम सब ने बाहर से खूब आवाजें लगाई। और खिड़की? वो भी बंद ही थी मैडम। जीनत के पास चाबी नहीं थी, फयाज के पास भी नहीं। नहीं थी साहब, इसीलिए तो दरवाजा तोड़ना पड़ा था। साहब मेरा नाम शफीक है, मैं सामने के घर में ही रहता हूँ, पेंटर हूँ। तुमने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं? नहीं साहब, मैं तो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे जीनत ने फ़ोन किया तब मैंने ही इसे फ़ोन किया था और फिर मैं आ गया। सब लोग सलीम को पुकार रहे थे लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, फिर हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा सेल्फ लॉकिंग वाला है, अपने आप बंद होने वाला, हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी नहीं होती। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर, वो मेरी बीवी जीनत हमेशा घर पर ही होती है। आज नहीं थी? वो बाजार गई थी तरकारी लाने। सलीम ने कल नाइट शिफ्ट टैक्सी चलाई थी। जीनत बता रही थी कि जब वो बाजार के लिए गई तब सलीम अपने कमरे में ही सो रहा था। इकलौता भाई था जीनत का साथ, बिल्कुल बेटे जैसा था उसके लिए। घर पूरा उथल पुथल किया हुआ है, कुछ चोरी हुआ है क्या? वो तो देखना पड़ेगा साहब। तो फिर देखकर हमें जल्दी से जल्दी बताओ। वैसे अलमीरा बंद है, बाहर कुछ कीमती सामान रखा था? करेक्ट, जख्मों से ब्लीडिंग तो हुई है पर मौत दम घुटने से हुई है। लाश घर के अंदर मिली, मर्डर कितने बजे हुआ होगा? बॉडी को यहाँ लाए जाने के लगभग 3 से 4 घंटे पहले मौत हुई है। आप सभी अपने घरों के अंदर थी? सुबह सुबह घर के अंदर कितने काम होते हैं ना। हाँ, मैं भी खाना बना रही थी, जीनत का घर इतना करीब, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, दिन भर बाहर इतनी आवाज होती है। घर में इतनी अफरा तफरी हुई, चीजें फेंकी गई, एक आदमी को मारा गया, पीटा गया, वो चिल्लाया तो होगा। नहीं सुना। गिरजा, जीनत के घर के अंदर जाओ बेडरूम में और ऐसे चिल्लाओ जैसे तुम पर कोई अटैक कर रहा हो, जाओ। ये लॉक टूट चुका है लेकिन सेल्फ लॉकिंग है, मतलब बाहर से अंदर आने के लिए चाबी की जरूरत होगी। जो न पति फयाज के पास है न पत्नी जीनत के पास। ए, क्या कर रहे हो? मत मारो मुझे, बचाओ, मत मारो मुझे, ए छोड़ो, मत मारो। अब भी आप लोग यही कहेंगे कि आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? यही कहूंगी मैडम, मैंने सच्ची में कुछ नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना मैडम, बिल्कुल नहीं मैडम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ सुना ना हो, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या क्राइम वैसे नहीं हुआ है जैसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर बाकी मोहल्ले वालों से भी बात की लेकिन सभी लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वाकई किसी को कुछ मालूम नहीं है। जीनत, सलीम की बहन बात करने की हालत में नहीं है सर। बात करनी होगी उसे, एक वही है जिसने सलीम को आखिरी बार देखा था। सर ये सलीम टैक्सी ड्राइवर है। ऐसा क्या हुआ होगा कि एक टैक्सी ड्राइवर को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर किसी ने मारा और किसी ने सुना तक नहीं? सर दर्द के मारे या बचाव के लिए चिल्लाए तो जरूर होगा,
और आवाज बाहर तक साफ आती है सर। आवाज साफ आती है सुनीता, पर मामला साफ नहीं। यस भाई, पुलिस वाले बोले बॉडी शाम तक मिलेगी। मुझे अभी मिलना है सलीम से, मुझे मिलना है सलीम से। मिनट संभालो अपने आप को, यहाँ कायदे से काम होते हैं, होने दो। मैं चलता हूँ सुनोगे जी, शाम 7 बजे तक लौटूंगा। किसी ने कुछ सुना नहीं या फिर किसी ने कुछ कहा नहीं, इस कत्ल के पीछे कुछ धमकियां थी, कुछ चेतावनियां थी और एक अजीब सी जिद भी थी। काफी कुछ था इस कत्ल के पीछे, पर इसके आगे और बहुत कुछ होने जा रहा था। विशाल शेट्टी जी, अब सलीम मिर्जा नहीं रहा तो उसकी जगह तूने ले ली। विशाल नाम है उसका, विशाल शेट्टी, उसी ने किया ये सब। ये विशाल शेट्टी है कौन? वो भी टैक्सी ही चलाता है। सलीम, सलीम ये क्या क्या हुआ है? सलीम, अल्लाह, ये क्या हुआ? सलीम क्या हुआ बता दो। कुछ नहीं आपा, बस झगड़ा हुआ है। किससे, क्यों हुआ? क्या हुआ क्या बता तो। जीजू वो एक टैक्सी ड्राइवर है, अपने बाप की रोड समझता है साला। मुझे उसका नाम बता, मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। आपा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आप मेरी हर लड़ाई का हिसाब चुकता करोगे। चुपचाप उसका नाम बता सलीम, आपा मैं निपट लूंगा ना उस विशाल से। जीनत तुम जाके खाना बनाओ। अरे सलीम बड़ा हो गया, बच्चा नहीं है वो। छोड़ूंगी नहीं ये जो भी विशाल है। और मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। तो मैंने बोल दिया इमरान और वसीम साथ में देख काम करेंगे। अरे महेश भाई, अपना रोज का डबल सैंडविच है। अमजद भाई, हाँ भाई, एक मौसमी जूस बनाओ ना। हाँ बनाया। अंधा है क्या? मैं तो इधर से हिला भी नहीं। तो क्या मैं जानबूझ कर टकराई तेरे से? हाँ, घर में माँ बहन नहीं है, बदतमीज कहेगा। और देखी नहीं कि चिपकने लगा। अरे कमाल है, आप कुछ भी बोले जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ हाँ, आपने देखा ना भाई साहब, आपने देखा ना इसे? अरे कुछ भी आप। जीनत ये क्या किया तुमने? जानबूझ के उसे टक्कर मारी और उसे पिटवाने की तैयारी में थी। और नहीं तो क्या, कौन था वो मालूम है तुमको? वही विशाल शेट्टी, इसने मेरे सलीम पर हाथ उठाया था। अरे तुझे कैसे मालूम? अरे 3 दिन पहले सलीम मुझे घर छोड़ने आ रहा था, तब उसी ने दिखाया इस विशाल शेट्टी को। जीनत तू क्यों बॉडीगार्ड बन रही है? अरे बच्चा नहीं है वो, बड़ा हो चुका है। मेरे लिए है, छोटा भाई है वो मेरा। अरे उसकी अपनी जिंदगी है, दुनिया हंसेगी कि अपनी बहन की चूड़ियां पहनता है, ऐसी बेवकूफी मत कर। हद से ज्यादा खुन्नस थी उस विशाल को सलीम पर।
फिर से झगड़ा हुआ था विशाल और सलीम का? फिर से बहुत बार हुआ। विशाल धमकी देता था सलीम को। मैं तो यहीं लगाऊंगा टैक्सी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। पहले तूने गांधी रोड पर मेरी जगह ली, मैंने जाने दिया, अभी तू सेम टू सेम इधर कर रहा है। देख ये जगह मैंने पकड़ रखी है और ये जगह मेरी है। क्यों? नाम लिखा है तेरा, हक है तेरा। ये मैं हक वक की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समझदारी से काम ले। कितने दिन से ये ड्राइविंग लाइन पे? हाँ ये जुम्मा जुम्मा 2-3 साल से, मैं 8 साल से हूँ, ये 9वां चल रहा है। तो क्या करूँ, नाचूं? देख सलीम, इतनी अकड़ मत रख, वरना किसी दिन ना बहुत भारी पड़ेगा। तेरी ये धमकी वमकी से डरता नहीं मैं, यही सीखा ना तूने 9 साल में, धमकी देना, टैक्सी स्टैंड की पार्किंग पे कब्जा करना। अब नहीं चलेगा ये। तेरा टैक्सी स्टैंड नहीं है गला फाड़ने के लिए। बताए सर, ये आपका स्टैंड है और यहाँ वर्दी पहन के दादागिरी होती है। यहाँ तेरे से गुंडे की ना आधा गर्दी भी होती है, चर्बी आधी कर देते हैं। लेकिन मैंने कोई दादागिरी नहीं करी साहब, बस सलीम का मर्डर किया। कुछ भी चार्ज लगा रहे हो आप? अरे ये रोजी रोटी का मामला है, ये गाली गलौज, छोटा मोटा झगड़ा हर दिन का है, और जिस दिन ये नहीं हो ना उस दिन नींद भी नहीं आती। साहब ये मर्डर वर्डर कौन करता है? मेरा भी घर बार है। सलीम भी अपने घर पे अकेला था, वहां गया और उसको खत्म कर दिया। और वो मेरा वेट कर रहा था, अपने घर का दरवाजा खोलकर आरती लेकर मेरे लिए खड़ा था। क्या साहब मर्डर की या कोई और आप मेरे नाम का पर्ची फाड़ रहे हो? साहब आजकल हर दूसरा आदमी कार खरीद रहा है, तो हम टैक्सी वालों का तो धंधा ही मंदा हो गया है। एक एक कस्टमर के लिए मारा मारी होती है आपस में, और पार्किंग के लिए भी होती है, लेकिन मर्डर वर्डर नहीं साहब। और मैं विशाल को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कौन करेगा शिवा? ये तो हमें नहीं मालूम है साहब, बस मुझे इतना पता है कि ये विशाल ने नहीं किया। विशाल, ये सब विशाल शेट्टी ने किया है। विशाल शेट्टी ने मारा है मेरे सलीम को। सलाम मैडम। मैडम घर के अंदर इतनी तोड़फोड़ हुई, मर्डर हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदर की आवाज बाहर वालों ने ना सुनी हो। ए उस्मान, ज्ञान मत दे, खबरी है खबर दे काम की, समझा? क्या मैडम, एक खबरी की खबर दे रहा हूँ। कौन खबरी? जीनत की पड़ोसन है ना, विमला। हाँ मिली हूँ उससे, उसके बारे में क्या मालूम है? मैडम मोहल्ले की सबसे बड़ी खबरी है वो, किसके घर में राई का तड़का लगा है, जीरे का, सब खबर होती है उसको। उसे सलीम के बारे में क्या मालूम है? मैडम कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, जो वो बोल नहीं रही है, मुंह नाक और कान तीनों में एंटीना है, सिग्नल कैसे पकड़ना है वो आप देखो। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर मैं कैसे कह दूं कि मैंने देखा सुना है? आप कह रही हैं कि आपने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, पर मैं सूंघ रही हूँ विमला जी कि आपको छुपा रही हैं। अरे मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी मैडम? विमला जी, क्या वाकई में कोई आवाज नहीं हुई थी या आपने कुछ सुना नहीं, या आवाज हुई थी आपने सुना पर आप बोल नहीं रही? ये मैडम भी यही पूछ रही है, आप भी यही पूछ रहे हो, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि हमें लगता है आप झूठ बोल रही है, बाकी सारी बातें काफी करती है, मोहल्ले की सारी खबरें रहती है आपके पास, फिर झूठ क्यों? देखिए साहब, टाइम पास के लिए ना गपशप करना एक बात है, यहाँ तो बेचारी जीनत के भाई का कत्ल हुआ है। वही तो विमला जी, फिर झूठ क्यों? क्या आप भी साहब जी, आप मेरे पीछे पड़े क्योंकि मैं जीनत के सामने रहती हूँ, तो वो पद्मा भी तो है, वो भी तो वहीं रहती है, और नीलोफर और शफी का घर भी तो जीनत के घर के सामने, उन्होंने कुछ सुना नहीं ना, तो मैं अलग से कैसे कुछ सुन सकती हूँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में किसी ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि ऐसी आवाज उस घर से निकली नहीं। मतलब कत्ल घर पर नहीं कहीं और हुआ, और तब नहीं हुआ जब हमें बताया जा रहा है? पहले घर से फयाज बाहर निकला और फिर जीनत, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। पर सर जीनत तो ऐसे रो रही थी मानो सचमुच में वो सब हुआ हो, अगर वो एक्टिंग कर रही है तो वो किसी हीरोइन से कम नहीं है। पर असली जिंदगी में वो हीरोइन नहीं है, विलेन। फयाज भी क्यों नहीं? मैं रोज की तरह ठीक 9 बजे ही निकला, डिब्बा लिया और निकल गया। तब सलीम सोया हुआ था? सोया हुआ था साहब, उसने नाइट शिफ्ट की थी। जीनत, चलता हूं मैं। हाँ ठीक है।
जब तुम बाजार गई थी तब भी सलीम सोया हुआ था। सलीम, ए सलीम, मैं बाजार जा रही हूँ, आधे घंटे में लौटूंगी। ठीक है। आज गाड़ी नहीं निकालेगा? निकालूंगा ना। फिर थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर निकालूंगा। आप लौट के आओगे तब तक उठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। जीनत 9:30 बजे बाजार गई और 10:15 बजे लौट कर आई, पूरे 45 मिनट बाद। लाश पोस्टमार्टम टेबल पर 1 बजे पहुंची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल 3 या 4 घंटे पहले हुआ है, मतलब 9 और 10 के बीच। सर, जीनत और फयाज के स्टेटमेंट के हिसाब से मर्डर 9:30 और 10:15 के बीच में हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त घर पे कोई नहीं था। और सर, मोहल्ले में किसी ने चू तक नहीं सुनी, किसी का साया तक नहीं देखा। सर, विशाल शेट्टी को मैंने बहुत तोड़ा, लेकिन इसके अंदर से कुछ निकला नहीं। इसके फोन रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, शायद इनोसेंट है। बाकी लोगों के रिकॉर्ड्स, जीनत, फयाज, सलीम, सब क्लीन। घर के अंदर मर्डर करने के लिए किसी को फोन करने की क्या जरूरत है? राव, तीनों की हिस्ट्री निकालो, जीनत, फयाज और सलीम। सुनीता, एक और फैमिली इनके सामने रहती है ना, शफीक और निलोफर। छोल घर के अंदर ही कहीं तो है। चलता हूं, ज्यादा सोचो मत, आराम करो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, वो विमला दीदी ने बताया मुझे। और क्या बताया विमला ने पद्मा? और कुछ खास नहीं मैडम, वैसे मैंने ही उनसे पूछा था कि जीनत और फैयाज के बच्चे नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है जीनत के साथ, इसलिए वो बच्चे नहीं कर पाए। ऐसा जीनत ने विमला को बताया? बताया होगा मैडम, क्योंकि वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और ये सलीम सालों से वहीं रहता था अपनी बहन जीनत और जीजा फैयाज के साथ। सर, जब ये जीनत और सलीम के माँ बाप चल बसे तब ये 16 साल की थी और सलीम 8 साल का था। तब से जीनत ने इसको अपने बेटे की तरह पाली। जब इसकी शादी हो गई तो इसको भी पार्सल लेके गई अपने साथ, शारदा नगर से यहाँ कुंती नगर में। ये फयाज कैसा बंदा है? दिखता तो अच्छा ही है, लेकिन शारदा नगर में जीनत का खुद का घर है जो अब भी भाड़े पे है, जिसकी कीमत मार्केट में आज 30 से 40 लाख होगी। सर, अब काम की बात कर रहे हो गोविंद, तू एंगल जम रहा है सर जी इस घर को लेकर, लगता है घरेलू बात हो सकती है। मैडम, घरेलू मामले तो घर वाले ही जानते हैं, हम तो सिर्फ पड़ोसी हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी नीलोफर सिर्फ पड़ोसी नहीं, अच्छे दोस्त हैं उनके, सुख दुख वाली दोस्ती। हाँ मैडम, मानता हूँ, जब हम नए नए इस मोहल्ले में आए थे तब उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी, अच्छी दोस्ती है, आना जाना है। अब 1.5 साल पहले की बात है, नीलोफर का एक्सीडेंट हुआ था, तब खाना जीनत भाभी ही भेजती थी, विमला दीदी ने भी काफ़ी मदद की थी। मैडम, पड़ोसी हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी आपस की बातें, आपस में जो है वो सब कुछ जान सकें। जब सलीम ने दरवाजा नहीं खोला था तो फयाज ने सबसे पहले तुम्हें बुलाया था शफी। हाँ मैडम, इतनी मदद तो बनती है ना। तो हमारी भी मदद कर दो, बता दो कि जीनत और फयाज ने मिलकर सलीम का कत्ल किया है। मैडम, इस सवाल का अब आपको क्या जवाब दूं मैं? जो कुछ तुम्हें पता है और जो हमें नहीं पता। मैडम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब उनकी शादी हुई थी तब जीनत भाभी ने एक शर्त रखी थी कि सलीम शादी के बाद उनके साथ ही रहेगा, और फयाज भाई ने यह शर्त मंजूर भी की थी। और ये जो टैक्सी है जो सलीम चलाता था, ये काम भी फयाज भाई ने शुरू करके दिया था उसको। और क्या बोलूं मैडम, बस इतना ही कि एक अम्मी समान बहन अपने एक लौते छोटे भाई को किस दिल से मारेगी, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं हो सकता साहब, जीनत आप और सलीम बहुत करीब थे, आपा सलीम से बहुत प्यार करती थी, उनका बच्चा तो नहीं हो पाया पर सलीम को अपना बच्चा समझ के चलती थी। शोएब, जो शारदा नगर में उनका घर था उसको लेकर कोई अनबन? शारदा नगर में घर, ये मुझे मालूम नहीं साहब, उसने कभी बताया नहीं। तो फिर क्या बताया उसने तुम्हें? तुम्हारा तो खास दोस्त था वो। साहब ऐसा कुछ खास नहीं बताया साहब,
और जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में ऐसा कुछ खास बताने जैसा हो। हसन से क्या है तुझे? हाँ क्या हुआ उसको? क्यों मारा अपने भाई को? क्यों मारा सलीम को? हाँ क्यों मारा सलीम को? क्या इसमें जीनत भी शामिल थी या तुमने अकेले ही मारा उसे? मैं अपने भाई को मारूंगी किस लिए साहब? घर के लिए 30-40 लाख रुपए के लिए मैं अपने भाई को मारूंगी? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं साहब? बिल्कुल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप कर सकती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आप बाजार गई थी, सच है। आपका पति काम पर गया था, ये भी सच है। पर उससे बड़ा सच ये है कि उसके पहले सलीम मर चुका था, मारा गया था। फिर तुम लोगों की एक्टिंग शुरू हुई। जिनत का आकर हल्ला गुल्ला करना, लोगों को इकट्ठा करना, तुम्हारा आना, दरवाजे को तोड़ने का हाई ड्रामा। सलीम पहले ही दुनिया से जा चुका था। साहब ड्रामा तो आप लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत ही घटिया वाला। सच्चाई ड्रामे से ज्यादा चौंकाती है फयाज। सच्चाई सबूत पर टिकी होती है साहब, पर आपके पास कोई सबूत है कि सलीम को मैंने और जीनत ने मिलकर मार डाला है? उसको मारना मतलब खुद को मारने जैसे हो गया साहब। जान था वो मेरी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, हर जिद। जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ तो वो बच्चा था और मैं भी कोई बड़ी नहीं थी साहब। 16 साल की उम्र में 8 साल के भाई की अम्मी बन गई और आप इतना घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं साहब। क्या फयाज ने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा? क्योंकि उसके लिए तो सलीम शादी की सिर्फ एक शर्त थी, मेहर की रकम, समझ लो। नहीं साहब, फयाज भी उसे बहुत प्यार करता था। पर तुम शायद फयाज से इतना प्यार करती हो कि उसका जुर्म छुपा रही हो। अल्लाह के वास्ते मत लगाइए इल्जाम हम पर। सलीम को ना मैंने मारा है ना फयाज ने, और ना हम दोनों ने मिलकर मारा है उसे। और जिसने भी उसे मारा उसे तो आप पकड़ नहीं पा रहे, तो हमें बकरा बना रहे। क्यों? क्योंकि कत्ल हमारे घर पर हुआ था। वही तो, तुम्हारे घर में कत्ल हुआ था और तुमने किया है। आपको जो सोचना है सोचिए, जो करना है कीजिए। मैंने अपने भाई को खोया है साहब, जो मेरे लिए दुनिया में हर चीज से प्यारा था, और आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक काम करिए, मुझे जेल भेज दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि सलीम के जाने के बाद मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा साहब, कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन साहब मैं फिर से कह रही हूं, उस विशाल चिट्टी को मत छोड़ना, उसी ने मारा है मेरे सलीम को, उसी ने मारा है मेरे भाई को। सना फयाज टूट रहा है ना जीनत, और ना ये विशाल चिट्टी। मोहल्ले में अब भी सब उसी बात पर अड़े हुए हैं कि किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, इतनी पास पास रहते हैं फिर भी। या तो ये जीनत और फयाज इतने सख्त है इसलिए टूट नहीं रहे, या मकसद कुछ और है जो हमें दिख नहीं रहा, या ऐसे भी कह सकते कि अभी तक सामने नहीं आया। शायद ये जीनत, फयाज और विशाल शेट्टी एंगल ही गलत है, कातिल कोई और है, मकसद कुछ और है। एक काम करो, इस सलीम के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से स्कैन करो, हर एक नंबर की हिस्ट्री निकालो। हो सकता है कि विक्टिम खुद हमें बता दे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। सर यहाँ कुछ भी तो नहीं है शक करने जैसा। मैंने जब पहली बार इनको स्कैन किया था तो मुझे पूरा यकीन था कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब भी लगता है कि मर्डर में फयाज और जीनत ही शामिल है, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है।
हेलो, टैक्सी ड्राइवर शिवा बोल रहा हूँ। हाँ शिवा बोल। साहब ये सलीम का एक खास दोस्त था, हसन शेख। कहाँ मिलेगा? साहब ये कुछ 8 महीने पहले मुंबई शिफ्ट हो गया, उसकी खास दोस्ती थी सलीम के साथ, उसका नंबर है मेरे पास। ओके। हेलो हसन शेख। हाँ कौन बोल रहे हैं भाई? मैं बेलगाम पुलिस से सब इंस्पेक्टर राव बोल रहा हूँ। हाँ साहब बोलो। कुंती नगर का सलीम मिर्जा तुम्हारा खास दोस्त था ना? हाँ मतलब हम लोग दोस्त हैं साहब, वो और मैं मिलके बेलगाम में बहुत टैक्सी चलाया है। उसका कत्ल हो गया हसन। हसन, हसन शेख। जी साहब, ये सब कैसे और कब हुआ साहब? तुम कुंती नगर थाने में जल्द से जल्द कब तक पहुंच सकते हो? देखो साहब, मैं इधर मुंबई में टैक्सी चलाता हूँ, मैं ये सब छोड़ के ऐसे कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारे खास दोस्त का मर्डर हुआ है, तुमसे बात करना जरूरी है। क्या उसके अपने घर में मर्डर हुआ? हाँ, उसके घर में लाश मिली हमें। या अल्लाह साहब, किसने? ये अगर पता होता तो तुझे यहाँ क्यों बुलाते? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब? ये जानने के लिए कि क्या सलीम की कोई ऐसी बात थी जो सिर्फ तुम और सलीम जानते थे और कोई नहीं? दोस्ती में बताई गई कोई बात, कोई राज, कुछ भी? नहीं साहब, सलीम ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और वैसे भी मैं पिछले 8 महीने से मुंबई में था। हसन, हमारा शक उसके जीजा फयाज और बहन जीनत पर है। सलीम के मर्डर के लिए? हाँ। अरे नहीं नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? जीनत आपा तो सलीम की माँ जैसी थी, और फैयाज भाई भी बहुत प्यार करते थे उसे, फिर क्यों मारेंगे? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। घर के अंदर दिन दहाड़े मारने पीटने के बाद, घर में उथल पुथल करने के बाद गला दबाकर उसे मार डाला गया। लेकिन फैयाज भाई और जीनत आपा? वो उस वक्त घर के बाहर थे, ऐसा वो कह रहे हैं। हसन, सलीम ने तुम्हें कभी भी कुछ बताया? कोई परेशानी, कोई दुश्मनी, कोई धमकी? नहीं साहब, सलीम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन प्यार था। कौन किससे प्यार करता था? और सलीम मियां, क्या हाल है? कमाल है यार, ये आजकल किसके ख्यालों में खोया रहता है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देख सच बता, कल दोपहर को मैंने देखा था तुझे, तेरी गाड़ी पार्क थी वहां एमजे पार्क के बाहर, तू शायद अंदर था। किसके साथ था? है कोई, बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा ठीक है, चल नाम तो बता दे, कौन है? आता हूँ। साहब 3-4 दफा मैंने पूछा था, लेकिन हर बार वो टाल देता, फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया। ये एमजे पार्क उसका फिक्स्ड लोकेशन था मिलने का? हाँ। सलीम के कॉल रिकॉर्ड में किसी लड़की का नंबर था? सर फर्स्ट स्कैन में तो नहीं था। मेरे स्कैन में भी नहीं था सर, हर एक नंबर पर कॉल किया, लड़की का ही नहीं थी। हसन, सलीम ने कभी तुम्हें कोई हिंट दी होगी या कुछ बताया होगा, या तुमने पता करने की कोशिश की होगी? कुछ होता तो मैं आपको जरूर बता देता, वो भी जब सलीम के साथ ऐसा हो गया। लड़की? जी हाँ लड़की। सलीम किसी से प्यार करता था? नहीं पता नहीं, कभी बताया नहीं उसने। कौन लड़की? हमें नहीं पता वो कौन लड़की है, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे मुझे कभी बताया नहीं तो कैसे हो सकती है? हम बता रहे हैं ना, एक लड़की थी। अगर रहती तो वो मुझे जरूर बताता।
इसमें राज रखने जैसा क्या है? हमें नहीं पता कि वो राज क्यों रखता, लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी में थी और शायद इस लड़की का इस कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। ये बाहर पार्क करता था और ये था वो आदमी। ये हाँ मैडम, ये तो बहुत बार आया है यहाँ पर। मैडम दोपहर के वक्त पे पार्क जोड़ों से भर जाता है, हर किस्म हर उम्र के, आप तो जानते ही हैं मैडम। तो ये भी किसी लड़की के साथ आता था? हाँ मैडम। कौन थी वो लड़की? वो तो नहीं जानता मैडम। हमेशा बुरखे में होती थी मैडम, तो चेहरा कभी देखा नहीं मैंने। मैडम चाल से कद से और बैठने के अंदाज से वही औरत लगती थी हर बारी, लेकिन कंफर्म कह नहीं सकता मैडम। नहीं तो मुझे तो कभी किसी लड़की के बारे में नहीं बोला था। लेकिन पुलिस कह रही है कोई थी उसकी जिंदगी में। पर वो हम लोगों से छिपाता क्यों? पुलिस कह रही है मर्डर शायद उसी लड़की को लेकर हुआ है। पर जीना, किसी से प्यार करने से जान को खतरा क्यों होने लगा? वो तो हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन उसकी जिंदगी में एक औरत थी और उसने अपने करीबी किसी को नहीं बताया था। थोड़ा अजीब है, हमारा शक बढ़ता है। सलीम उस लड़की को कई बार मिला पार्क में, बुर्का पहनती थी, कितनी बार मिला पता नहीं। जी सर, लेकिन उसने अपनी सबसे करीबी बड़ी बहन जीनत, जीजा फैयाज और खास दोस्त हसन को भी इसके बारे में नहीं बताया था। ये एंगल है, पर ये एंगल मर्डर से कितना रिलेटेड है ये तो उस औरत के बारे में पता करने के बाद ही पता चल सकता है। औरत बुरखे में मिलती थी तो जरूरी नहीं सर, है सर, सलीम के मोबाइल में किसी लड़की का नंबर नहीं है ये फैक्ट है, लेकिन एक पीसीओ का नंबर है जिससे उसकी लगातार बात होती थी। वो चंदन नगर वाला पीसीओ? हाँ वही। कहीं ये एंगल सही में सही एंगल तो नहीं है? सलाम साहब। राशिद अब्रार। हाँ सर। तुमसे मेरी कई बार बात हुई है। कुंती नगर पुलिस स्टेशन। हाँ, फिर वही सवाल, तुम्हारा पीसीओ का नंबर सलीम मिर्जा नाम के एक बंदे के मोबाइल पे कई बार दिखता है। उसकी एक लड़की से दोस्ती थी और हमें शक है कि तुम्हारे पीसीओ से वो उसको फ़ोन किया करती थी। हो सकता है साहब, अभी ये पीसीओ है, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें और मर्द लोग आते हैं फ़ोन करने के लिए, कैसे याद रखूँगा मैं? ये लड़की या औरत शायद बुरके में आती होगी। बुरखे में तो बहुत सारी लड़कियाँ औरतें आती हैं मालिक। वो भी है, लेकिन ये लोकल ही है, यही चंदन नगर की। चंदन नगर की आधी आबादी तो मोमेडियन है, तो बहुत सारी लड़कियाँ औरतें घर से बाहर निकलते वक्त बुरखा पहनती है, कैसे पहचानूंगा ना मैं? पुलिस बोल रही है चंदन नगर की कोई लड़की हो सकती है। सीनत, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सलीम किसी लड़की से प्यार करता हो या ऐसा कुछ हो तो वो हमें नहीं बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में कुछ था और वो ठीक नहीं था, इसीलिए हमें नहीं बताया और इसीलिए मारा गया? बुरखे में औरत? ना ना, हमने नहीं देखा किसी को। वैसे जीनत भी हमेशा बुरखा नहीं पहनती, कभी कभार पहन लेती है बस। ये औरत शायद सलीम को मिलने आती होगी। नहीं जी, मैंने तो कभी किसी औरत या लड़की को नहीं देखा। शफीक, क्या तुमने कभी देखा है? नहीं मैडम, मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। सर लगता है सबको सब कुछ नहीं पता तो भी काफी कुछ पता है, लेकिन दबाव सा है कि कोई कुछ बोले ना। इससे पहले कई खतरनाक मल्टीपल मर्डर केसेस में हमें लीड मिली है, पर इस केस में एक घर और एक बुरखे वाली औरत के बीच त्रिशंकु बनकर हम लोग लटक रहे हैं। बोलिए विमला जी। मैडम आप कह रही थी ना कोई चंदन नगर की औरत थी। हाँ, बुरका पहनती है, शायद मुस्लिम है। हाँ हाँ मैडम, वो ना अब मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है,
कोई चंदन नगर की औरत थी जो हमारे कुंती नगर में आती थी, पर उसका नाम या ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। आएगा, जरूर आएगा, जरा जोर दीजिए दिमाग पर और याद आते ही मुझे फोन कीजिए। ठीक है मैडम। विमला जी को जितनी जल्दी याद आएगा ये केस उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा। बस उम्मीद करते हैं विमला जी को जल्दी याद आ जाए। तू भी खा ले खाना। अब खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। डरना नहीं, जो करना है बस कर डालना। बात हुई, समझाया। एक नकाब के पीछे छिपा था सलीम मिर्जा के मर्डर का राज, और इस नकाब को बेनकाब करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम बेकरार थी। पर इस कत्ल के परे एक और जुर्म होने वाला था, और यह जुर्म भी रहस्य में लिपटा हुआ पाया जाने वाला था। कई लोग गुस्से में थे और उनका आक्रोश और भड़का जब यह दूसरा जुर्म भी रोशनी में आया। सुनो, शाम को थोड़े नगद पैसे लाने मत भूलना। ठीक है, ले आओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे विमला दीदी, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, तू बता। चल रहा है वही वही रोज का। ठीक है, चलती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। कुछ याद आया विमला जी? हाँ मैडम, सब याद आ गया। अरे कैसी हो विमला दीदी? ठीक हूँ। आप जानती थी उस चंदन नगर वाली औरत को जो सलीम को मिलती थी? अब ये सलीम से मिलती थी या नहीं ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर हाँ ये औरत चंदन नगर की है। कैसे मालूम? उसकी एक रिश्तेदार है, मेरी पड़ोसी नीलोफर, शफीक की बीवी। क्या नाम है उस चंदन नगर वाली औरत का? सनोबर कुरेशी। ये नीलोफर की छोटी बहन है। अब कैसा है नीलोफर का पैर? अभी काफी ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है एक दो महीने में पहले जैसी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। नीलोफर आपा, नीलोफर आपा, पाया सो, जीनत आपा ने खास आपके लिए भेजा है। वो नीलोफर का एक्सीडेंट हुआ था ना, उन दिनों की बात है। छोटी बहन बड़ी बहन को मदद करने के लिए आई थी, ये सनोबर। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत भला होगा तुम्हारा बड़ी बहन की जो सेवा कर रही हो ऐसे। वैसे तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? वो चंदन नगर में नया सुपरमार्केट खुला है ना, वहीं पे ड्यूटी करते। मतलब तुम्हारी तो डबल ड्यूटी हो गई ना, खुद का घर भी संभालो फिर बहन का घर भी संभालो, तकलीफ होती होगी ना? अरे नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सुबह पहले अपने घर का काम करती हूँ, उसके बाद यहाँ पर आती हूँ, फिर यहाँ का काम खत्म करके शाम को घर लौटती हूँ। मेरे शौहर भी आते हैं कभी कभी मुझे लेने, आपने देखा होगा उनको। ये याद आया तो सोचा आपको बोल दूँ। बहुत अच्छा किया बता के, लेकिन बता देती हूँ मैडम, मेरे को नहीं मालूम सलीम के साथ उसका क्या था क्या नहीं। मेरा कहने का मतलब है सनोवर के अलावा कोई और औरत भी हो सकती है ना चंदन नगर की, फालतू में किसी को क्यों बदनाम करना।
अरे नहीं नहीं पेंट अभी नहीं, एक हाथ प्राइमर को और मार। हेलो शफीक अंसारी बोल रहा हूँ, कुंतीनगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर दीपक कुमार बोल रहा हूँ। बोलो साहब। तुम्हारी बीवी नीलोफर की बहन सनोबर है ना? हाँ साहब। क्या हुआ उसको? उसका नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। क्यों साहब, बात क्या है? अभी तो नंबर चाहिए, क्यों वो तुझे मैं बाद में बताता हूँ। सनोबर कुरैशी जी, पुलिस थाने चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? सलीम मिर्जा के बारे में। सनोबर? जी हाँ, आपके पड़ोसन नीलोफर की छोटी बहन सनोबर कुरैशी। ये कैसे हो सकता है? सनोबर कुरैशी, अगर सच बोलोगी तो सबके लिए आसान होगा। सच? क्या सच साहब? सलीम और तुम क्या बात है साहब? क्या हुआ? मेरी बीवी को यहाँ किस लिए लेके आए आप लोग? कुछ पूछना था। सनोबर से ऐसा क्या पूछना है साहब? सलीम मिर्जा के बारे में। सलीम का और सनोबर का क्या ताल्लुक है? यही तो पूछ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी से। उसको क्या पूछ रहे हो साहब? मैं बोलता हूँ ना, आप मुझसे पूछो। सनोबर का सलीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ए, सवाल सनोबर से पूछा है, जवाब भी वही देगी। सनोबर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सलीम के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? बड़े साहब से मिलना है। बैठो, अभी बड़े साहब बिजी है। उन्होंने ही फोन करके बुलाया है। मैं सलीम मिर्जा की बड़ी बहन जीना। हाँ हाँ पता है, अंदर दूसरी इंक्वायरी चल रही है, बुलाएंगे आपको। बैठो। कमाल कर रहे हो साहब, मैं बोलूँ ये बोलूँ बात एक ही है ना साहब। आशिम बोलने दे सनोबर को। मेरे एक सवाल से आप लोग इतने हड़बड़ा गए हो कि सनोबर को बोलने ही नहीं दे रहे हो। इसका मतलब सनोबर और सलीम का ताल्लुक था, बराबर ना? सनोबर सलीम मिर्जा का मर्डर हुआ है और ये छोटी बात नहीं है, सीधे सीधे बता दो। अगर हम लोग टेढ़े हो गए ना तो जिंदगी भर सीधे नहीं हो पाओगे। जीनत आपा जा रहा हूं मैं। अरे रुक, ये डब्बा नीलोफर को देके चले जाना। अरे मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, ले संभाल के। ठीक है। सलाम वालेकुम नीलोफर आपा। वालेकुम अस्सलाम सलीम, आज तुम आए? हाँ, वो आपा खाना बना रही है ना। सनोबर, ए सनोबर यहाँ। जी आपा, जरा डब्बा ले ले, जीनत ने भेजा है। चलता हूँ नीलोफर आपा। जी, ये जीनत आपा ने दिया है। मैं सलीम, जीनत आपा का छोटा भाई। जानती हूँ। मैं सनोबर, नीलोफर आपा की छोटी बहन। जानता हूँ, चलता हूँ। सलीम, गाड़ी खाली है क्या तेरी? हाँ शफीक भाईजान, आपके लिए हमेशा ही खाली है। बोलो ना, किधर जाना है? अरे मुझे नहीं, मेरी साली है ना सनोबर, उसको घर जाना है चंदन नगर। छोड़ के आएगा क्या? हाँ छोड़ दूंगा ना। दो मिनट दे, आती है। हाँ वो एसपी सुपरमार्केट है ना? अच्छा अच्छा, वही जो नया खुला। हाँ बरोबर, उधर मैं सुपरवाइजर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शफीक भाई के क्या लगते हैं आप? साढ़ू भाई। साढ़ू भाई? अरे यार साढ़ू भाई नहीं समझते। अभी शफीक भाई की पत्नी कौन? नीलोफर आपा।
और नीलोफर आपा की बहन ये सनोबर मेरी बीवी, मतलब शफीक भाई और मैं साडू भाई, अभी समझा? अच्छा, आप मियाँ बीवी हैं। क्या हुआ, कुछ बोले साहब लोग? हमने एक दूसरे से कभी कुछ कहा नहीं था साहब, लेकिन लेकिन कुछ बातें अनकही होती है ना, बेकरार थे हम दोनों एक दूसरे के लिए। तो जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूं, वो एकदम से पीछे हट गया। पर तुम? मैं नहीं हटी साहब, पहला कदम मैंने ही उठाया था। सलीम ने नीलोफर आपा के घर आना बंद कर दिया था, दूर रहने लगा था वो मुझसे। जितनी दूर जाता मुझसे, उसके उतने ही करीब जाने का मेरा दिल करता। नीलोफर आपा, नीलोफर आपा, आपा डॉक्टर के पास गई हैं शफीक भाई के साथ। आप ले लो इसे। जीनत आपा थी नहीं, वो बाजार गई। सलीम, वो चाय चढ़ा रखी थी, पीकर चले जाना। सलीम, मुझे कुछ कहना है तुमसे। चाय लेके आना। शफीक भाई, आज के बाद ही आपके मोहल्ले में कदम भी नहीं रखी। लिसन ओवर, क्या कर रही थी तू? पागल हो गई है? तू मेरी छोटी बहन की तरह है। हाशिम शौहर है तेरा। जो तूने किया बहुत गलत किया। देख सनोबर, ये जो भी हुआ ना, ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा समझ तू, समझी? आज के बाद सलीम के बारे में गलती से भी मत सोचना। शफीक भाई, आप उस सलीम की आपा से बात करो, मेरे हाथ से कुछ हो गया तो कोई मुझे कुछ भूलना मत। आशिम, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्यों जरूरत नहीं है? बात करेंगे तो बात बढ़ेगी, बात फैलेगी, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। और अगर गलती से बात पड़ोस की रेडियो विमला तक पहुंच गई तो बात चांद तक पहुंचेगी, सबके सामने मुकाला होगा हमारा। इस बात को यहीं के यहीं दफना दे, समझी? समझी?
मालूम था साहब गलत है, लेकिन क्या करती मैं? मैं नहीं रोक पाई अपने आप को, प्यार हो गया था मुझे उससे, और मैं नहीं बुलाया था उसे सामने से। फिर से मिलने लगे थे साहब पहले जैसे, लेकिन इस बार थोड़ा छुप छुप के, और फिर एकदम से खबर आई, और फिर एकदम से खबर आई कि सलीम को। तुमने हिम्मत करके इतना सब कुछ बोला है, अब ये भी बता दो सलीम मिर्जा का मर्डर किसने किया है? साहब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, जब से खबर आई है बस बस अंदर ही अंदर घुटते रोते रहते। सलीम को तुम्हारे पति हाशिम ने मारा है या शफीक ने, या दोनों ने मिलकर मारा है? क्या तुम्हारी बहन नीलोफर को तुम्हारे इस अफेयर के बारे में पता था? मैं सलीम की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा है, क्यों मारा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हाशिम और शफीक को कस्टडी में लेकर तोड़ते हैं, देखते हैं पहले उल्टी कौन करता है। सनोबर के पुलिस के सामने सलीम के साथ अपने अफेयर को कबूल करने के ठीक एक साल बाद उसके जीजा शफीक का कत्ल कर दिया गया। सलीम मिर्जा के कत्ल ने कई चीजें तोड़ दी थी, एक दिल टूटा, एक परिवार टूटा और एक और परिवार टूटा। पर फिलहाल हम उस समय में लौटते हैं जब सनोबर ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया था। उस कमीने को मारना होता ना साहब तो तभी मारता जब पता चला था। सनोबर के पकड़े जाने के बाद भी उसने दोबारा शुरू किया फिर, तुमसे रहा नहीं गया और तुमने सलीम को मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, सनोबर को थोड़ा मारा था पहली बार जब पता चला, वो भी गुस्से में। और उसी गुस्से में तूने सलीम को भी मार दिया जब सनोबर उससे फिर से मिलने लगी। साहब उसको तो पता भी नहीं था कि उन लोगों का वापस शुरू हो गया है। वरना सच बोलने का ऑफर लिमिटेड होता है, बाद में सच बोलने के लिए तड़पोगे तुम। आप मेरी तड़प क्या समझोगे? अब आपको जो करना है वो करो साहब, जितना मारना है मारो, जितना पीटना है पीटो साहब, लेकिन सच यही है कि मैंने सलीम को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? मुझे क्या मालूम साहब, लेकिन हाँ अगर वो जिंदा होता ना तो मेरे सामने होता, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके और सनोबर के भी। तुम्हारे और हाशिम के अलावा और कौन था सलीम को मारने में? साहब मैं सिर्फ इस बात को दबाने में शामिल था, मैं नहीं चाहता था कि हमारे मोहल्ले के सामने हमारी थूतू हो, सनोबर की वजह से हमारी गर्दन झुक जाए। सनोबर ने नहीं मारा तो तुमने सलीम की गर्दन दबा डाली है ना? नहीं साहब नहीं, जब मैं इस चक्कर के बारे में नहीं बात करना चाहता था तो कत्ल वतल करके सबके सामने अपनी इज्जत क्यों उतरवाऊंगा? आप खुद ही सोचिए ना। मुझे सलीम और सनोबर के चक्कर के बारे में पता तक नहीं था, हाशिम और शफीक ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। क्यों हुआ मेरा एक्सीडेंट, क्यों बुलाया मैंने सनोबर को मेरे घर, सोच सोच कर मैं खुद को कोसती हूँ मैडम। ये सब कोसना वोसना छोड़ और सच सच बता, जिस दिन सलीम का मर्डर हुआ था तूने क्या देखा था, क्या सुना था? कुछ नहीं देखा था मैडम, कुछ नहीं सुना था मैंने। तुझे ऐसा बोलने के लिए बोला गया है ना? तू अपने पति को और हाशिम को बचाने की कोशिश कर रही है ना, बोल। क्या बोलूं मैं मैडम, मुझे लगता है सलीम को ना तो तेरे पति ने मारा है और ना हाशिम ने, सलीम को तूने मारा है नीलोफर। मैंने जबरदस्ती तुम्हें इस सब में घसीटा ना? कुछ भी मत बोल सनोबर,
मैं जब पहली बार पाया सुप लेके आया था ना, तुझे देखते ही मुझे तेरे से प्यार हो गया था। मुझे भी, लेकिन अब आगे क्या सलीम? आगे? आगे निकाह, जो कि मेरा हो चुका है। तलाक ले ले हाशिम से और मुझसे निकाह कर ले। करेगी? सलीम, ये जिंदगी है, कोई फालूदा नहीं कि जो मन में आया बना दिया। तलाक दूंगी मैं हाशिम को, सबसे पहले कीमा मेरा बनेगा और पाया सूप तेरा। कीमा पाया दोनों बनेगा, पर हमारी निकाह की दावत में सनोबर तू बस एक बार हाँ कर दे, फिर देख सब संभाल लूंगा मैं। बोल, करेगी मुझसे निकाह? अयाज कादरी यहाँ रहता है? जी, मेरा छोटा भाई है। क्या बात है? भाई को बुला तो। अयाज, अयाज, क्या हुआ अफजल भाई? अयाज, सलीम मिर्जा के मर्डर में कौन कौन शामिल है? क्या पूछ रहे हैं साहब, तुझे क्या मालूम इस मर्डर के बारे में? कुछ भी तो नहीं भाईजान। अरे हमारा काम तुम क्यों कर रहे हो अफजल? चले अयाज, आने चल के चाय पीते, हमारी स्पेशल कड़क चाय। शफीक, तेरे से पता करने जैसा कुछ रहा नहीं, जो कुछ भी पता करना था हमने कर लिया है। क्या पता कर लिया साहब? यही कि सलीम को इतनी खामोशी से कैसे मारा कि किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब तो मुझे जाने दो, अब तो आप समझ गए कि वो मैं नहीं था। पक्का तो नहीं था शफीक? देखिए साहब, आपके पास मेरे खिलाफ सबूत का एक कतरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। पक्का कुछ नहीं किया? साहब मैंने किया है तो बस इतना कि मैंने सलीम और सनोबर को रंगे हाथ पकड़ा था, वो भी इत्तेफाक से, और ये बात मैंने हाशिम को बताना जरूरी समझा। साहब इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। अयाज, अयाज कादरी से पूछूं? अयाज कादरी, रेजिडेंशियल एड्रेस अपने कुंती नगर का ही है। उठाते हैं इसको और पूछते हैं कि ऐसा क्या जानता है। मैडम, मेरा भाई पिज्जा डिलीवरी का काम करता है, वो बेचारा क्या किसी का मर्डर करेगा? और उस सलीम को तुम अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन कानून ना तो किसी को अच्छी तरह से जानता है और ना अच्छी तरह जानना चाहता है। कानून को किसी के खिलाफ सबूत का एक कतरा मिला तो बस पूछताछ बनती है। अरे मैडम, जब जब उसको कुछ मालूम ही नहीं है तो कैसी पूछताछ? शांति रखो, अगर उसे नहीं मालूम है तो वो भी हमें मालूम चल जाएगा। मासूम है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अयाज कादरी, 444-897-6-78, राइट? जी। 15 दिसंबर सुबह 9:35 को शफीक अंसारी ने तुम्हें फोन किया था, फोन किया था या नहीं? देखा अयाज, 15 दिसंबर को सलीम मिर्जा का कत्ल हुआ है, तो कोई ऐसे बहाने बनाने की सोचना भी मत। अयाज, घर पर है? हाँ भाई। तैयार है? हाँ। अभी निकल। अभी निकल? कहाँ के लिए? उनके घर के पास। रेडी है? किस लिए? वही सलीम मिर्जा का मर्डर। तब शफीक ने तुझे? शफीक भाई ने 2 दिन पहले 13 दिसंबर को ये प्लान बताया था। बोलो भाई। सलीम को खलास करना। सलीम मतलब अपना टैक्सी वाला सलीम मिर्जा? हाँ वही। उसको क्यों मारना है? अबे तेरा पिज्जा कौन खाए, कब खाए, इससे तुझे कोई मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं है, मैं ऐसे 10,000 दूंगा, मेरे साथ चलना होगा। कब? जब मैं बोलूँ तब। जब मैं बेकार था उन्होंने नौकरी दिलाई मुझे, जब कड़की चल रही थी उन्होंने पैसा दिया, उनके बहुत एहसान थे मुझ पर, उनको ना कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। साहब सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तू किसी की जान लेने के लिए रेडी हो गया?
एक बार जाने की कोशिश भी नहीं की तूने? सब जान के भी क्या फायदा ना, मतलब मारना तो तय हो चुका था। झूठ है, मेरा भाई बेचारा डर कर बोल रहा है। आप लोगों ने जरूर डराया होगा उसे। अजय, तेरे भाई को हमने हाथ तक नहीं लगाया, अपने आप कोयल की तरह कुकू कू करने लगा, और अब बारी है शफीक की। पूरा गाना वो गाएगा। मुश्किल से 21 साल का होगा अयाज, उसे भी इस गंदगी में घसीट लिया। उसे तो पता भी नहीं था कि सलीम मिर्जा का मर्डर हो क्यों रहा है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था साहब, क्या करे जब आदमी अड़ियल हो जाता है। सनोबर मेरी छोटी बहन की तरह है, जब उसके माँ बाप गुजरे थे वो हमारे पास रहने आई थी, मेरे और निलोफर के। जैसा सलीम जीनत के लिए था वैसी सनोबर मेरे लिए है, लेकिन ये सलीम मान ही नहीं रहा था। सलीम, ये बात मैं मोहल्ले में नहीं छेड़ना चाहता था। कौन सी बात शफीक भाई? सलीम, बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख के हमने सनोबर की अकल ठिकाने लगाई है, तो दोबारा आग मत लगा। प्यार से बोल रहा हूँ। प्यार से बोल रहे हो शफीक भाई, तो प्यार को समझो। मैं और सनोबर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देख, निकाह हो चुका है उसका। निकाह कोई पत्थर की लकीर थोड़े ना है, तलाक हो सकता है, खुला हो सकता है। तुम जो कर रहे हो वो हराम है, हराम। वो हाशिम के साथ खुश नहीं है, किसी की खुशी मारना हराम है। तू उसकी जिंदगी से दूर चले जा, खुशी अपने आप उसके पास वापस आ जाएगी। सिर्फ अपनी खुशी का सोच रहे हो शफीक भाई, अपनी झूठी इज्जत का सोच रहे हो। देख, तू अब बहुत ज्यादा बोल रहा है सलीम। बहुत ज्यादा हो चुका है शफीक भाई, हम इतने आगे निकल चुके हैं कि लौट कर वापस नहीं आ सकते। हम फिर से मिलने लगे हैं। क्या बक रहा है तू? प्यार कोई सिनेमा की टिकट नहीं है, नहीं मिली टिकट, नहीं देखी फिल्म, हमेशा से छुप छुप के मिलते रहे, पर अब और नहीं। क्या करने वाले हो तुम लोग? देखो शफीक भाई, ये साल खत्म होने से पहले मैं और सनोवर निकाह करने वाले हैं। रावत से बोला मैंने, उसको नहीं माना, फिर मेरे लिए उसने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। अरे शफीक भाई, क्या हालचाल? ठीक हूँ भाभी। और नीलोफर? बस लगी है घर के काम में। फयाज भाई निकल गए काम पर? हाँ बस अभी निकल गए। सलीम? अंदर सोया है, कल नाइट को टैक्सी चलाई थी ना। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, पूरा मोहल्ला सुनसान था। फयाज घर पर है? अरे यस, क्या बात है? सलीम भाई, वो आपसे कुछ सलाह करनी थी। हाँ आ जाए, अंदर आ। बोल ना, क्या मशवरा करना है? शफीक भाई आप जाए थे ना, सनोबर से दूर है, समझ में नहीं आ तेरे को? क्या बोल रहा था? साल खत्म होने से पहले निकाह करेगा तू सनोबर से? करूंगा सनोबर से निकाह साल खत्म होने से पहले, कोई रोक सकता है तू?
जल्दी कर निकल। ने आवाज नहीं सुनी साहब, क्योंकि आवाज हुई नहीं। सलीम चिल्लाने के बजाय मुझसे लड़ता रहा और किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा उसने। पर तुमने 21 साल के अयाज की मदद ली और बड़ी बेरहमी से सलीम का कत्ल कर दिया। उसने खुद अपनी मौत को बुलवाया साहब। अल्लाह कसम साहब, मुझे शफीक ने कभी कुछ नहीं बताया। सलीम और सनोबर फिर से मिलने लगे थे, ये बात तुम्हें पता नहीं थी? नहीं। शफीक ने टैक्सी स्टैंड पर जाके सलीम को समझाया था, ये भी नहीं तुम्हें पता था? नहीं पता था साहब। शफीक ने आयाज की मदद से सलीम का मर्डर किया, ये बात भी तुम्हें पता नहीं थी? नहीं साहब, नहीं मालूम था। मुझे मालूम था तो सिर्फ इतना कि सनोवर और मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। अगर मुझे पता होता कि शफीक भाई ने सलीम को मारा है तो मैं खुद ही आकर आप लोगों को सब कुछ बता देती। जैसे तू खुद आई थी ना हमें बताने की तेरा चक्कर है उसके साथ। तू तो सलीम के मरने पर उसके घर तक नहीं गई थी। क्या चेहरा लेकर जाती जीनत आपा के सामने, किस मुंह से कहती कि उनके मरहूम भाई से मैं प्यार करती थी। वो तो यही कहती ना कि सलीम मेरी वजह से मरा है। झूठ बोल रही है तो नीलोफर, झूठ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे मालूम तक नहीं था कि सलीम और सनोवर का कुछ चल रहा था। तेरी आंखों के सामने सब गलत चल रहा था और तुझे पता नहीं चला। तेरी शादीशुदा बहन मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी और तुझे कुछ पता नहीं चला। तुझे उनके रिश्ते के बारे में पता था और तुझे यह भी पता था कि तेरे शोहर ने मेरे सलीम की जान ली और तब भी तू चुप बैठी रही। कुछ जानकर कुछ बोलकर क्या फर्क पड़ता है? आपका भाई सलीम मेरी बहन की जिंदगी और शादी दोनों तबाह कर चुका था। तो क्या जान से मार डालोगे उसे? और एकलौती बहन है ना तेरी सनोबर, तो उसको खोएगी तो तुझे कैसा लगेगा? और ऐसा भी क्या कर दिया सलीम ने जो उसकी जान ले ली? बच्चा है मेरा भाई साहब, और बच्चे का दिमाग खराब किया उस शफीक ने। 21 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता अफजल। तुम्हारा भाई ना सिर्फ मर्डर में शामिल हुआ है बल्कि उसने मर्डर को छुपाया भी है, लंबा अंदर जाएगा भी। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी साहब। तुम्हारे भाई की वजह से दो परिवारों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। जोश तो सबको आता है, उसे होश में रह के सोचना चाहिए था। मार लो वैसे, और जितना जी में है उतना मार लो। मैं मानती हूँ मैंने लकीर पार की थी, लेकिन सच्चा प्यार करती थी मैं उससे। और सच्चे प्यार में लकीरें कौन सी होती हैं? 10,000 चाहिए थे तो मुझसे ले लेता, इतना बड़ा जुर्म करने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी गलती हो गई अफजल भाई, बताओ ना अब क्या होगा? अब जो होना था हो चुका, कत्ल का धब्बा लग गया तुझ पे। शफीक, तुझे मेरा ही भाई मिला था अपनी इज्जत के चीथड़े बटोरने को। अरे सनोबर के शोहर को साथ ले लेता, ये तो अपनी बीवी या फिर उस बच्चे ने सनोबर को ही साथ ले लेता। ये अफजल जबान संभाल के बात कर। अबे चुप, अब तू संभल जो संभल सकेगा। याद रख, तूने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी सनोबर। शफीक भाई ने खराब की है, क्या जरूरत थी सलीम को मारने की? तुझे क्या जरूरत थी तेरा मुंह मारने की? हशीम काफी नहीं था तेरे लिए? आपा गंद बोलने से आपका दिल हल्का होता है तो कर लीजिए। सच्ची मोहब्बत है सलीम मेरी। अरे निकाह करने वाले थे हम। अरे तू शादीशुदा है, हशीम की बीवी है तू। अरे तो मैं और हशीम देख लेते, जो करना था कर लेते। शफीक भाई को बीच में आने की क्या जरूरत थी? वो हमारी इज्जत जो तुझसे जुड़ी है उससे बचा रहे थे। वो लड़का सलीम तुझे फंसा रहा था, उससे निकाल रहे थे तुझे। नहीं आपा, प्यार करते थे हम एक दूसरे से। अरे पहली पहल मैंने की थी,
जान था वो मेरी। और उसकी जान जिस बेरहमी में से ली है शफीक भाई ने, उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी उन्हें। क्या बोली तू? क्या बोली? बोल दिया है, अब तुम देखोगी। दफा हो यहां से, दफा हो, और आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। दफा हो। सलीम मिर्जा मर्डर केस कोर्ट में चल रहा था। शफीक अंसारी जुडिशियल कस्टडी में था। 8 महीने बाद उसकी जमानत हुई थी और अब सलीम के कत्ल को 1 साल हो चुका था जब जमानत पर रिहा हुआ शफीक अंसारी मारा गया था। बोल, करेगी मुझसे निकाह? लाश कहां मिली और कब मिली? कल सुबह मिली, बेलगाम धारवाड़ हाईवे के पास, और बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। ये शफीक अंसारी है सर, कुंती नगर बेलगांव का रेजिडेंट। मैं केस पेपर्स तुम्हारे थाने भेज देता हूं, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। शफीक अंसारी? जी सर, धारवाड़ हाईवे के पास कल सुबह लाश मिली। सर, सर यहां बॉडी पहुंचाने से थोड़ी देर में हमने उसकी वाइफ नीलोफर को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया। नहीं है शफीक, नहीं है मेरे पास और 1 रुपए आपकी शराब के लिए। इतने दिनों बाद घर आया हूं और तुम? घर? कौन सा घर शफीक? सब कुछ बिक चुका है कोर्ट केस में और आपकी जमानत के लिए। और आप जब से वापस आए हो, महीने भर के राशन का खर्चा सब कुछ पी गए हो शराब में, बिजली के बिलों के पैसे पी गए हो। अब बस मेरा खून बचा है, वो भी पी लो और सब कुछ खत्म कर दो। कहां जा रहे हो? आप किसकी जान लोगे? रुको, आप मेरी ही जान ले लो, मुझे ही मार डालो आप। मैं कोई चोर डकैत बदमाश नहीं, तेरी बहन सनोबर की इज्जत बचाने के लिए मैंने सलीम को मारा, और तू मुझे मेरे घर में बेइज्जत करेगी? जब से जमानत हुई थी हम रोज झगड़ते, ये 3-4 दिन तक गायब रहते थे, फिर लौटते, खूब पीते, फिर हम झगड़ते, फिर गायब होते। इसलिए मुझे लगा था कि ये आ जाएंगे 2-4 दिनों में। किसने मारा होगा शफीक को? लिस्ट लंबी है सर, काफी लोगों को गुस्सा था इस पर। सर लिस्ट बनाते हैं, खंगालना शुरू करते हैं। सलीम को शफीक ने मारा, इसलिए सबसे ज्यादा दर्द उसकी मां समान बहन जीनत को हुआ होगा। नहीं, किसके साथ मिलकर शफीक का कत्ल किया? ऐसा सवाल तो आपने तब भी किया था जब आपको ऐसा लगा कि मैंने अपने बच्चे को, अपने भाई सलीम को मार डाला था। आप पूछा था। तो उस सवाल का और इस सवाल का दोनों का एक ही जवाब है साहब, हाँ, मैंने ही मारा सलीम को और शफीक को भी, और किसी के साथ मिलकर नहीं साहब, अकेले बड़े बड़े आराम से मार डाला दोनों को। लिख लो, यही बयान लिख लो साहब। वैसे भी जिंदा लाश बन चुकी थी जीनत, सलीम उसके जीने का मकसद था, हमारा कोई बच्चा भी तो नहीं हो पाया था। तो बदला? बदला तो हमसे लिया तकदीर ने। मैं सोच ही रही थी कि आप लोग कब आओगे, और इस बार यही पूछोगे ना कि शफीक भाई को किसने मारा है? किसने मारा सनोवर? मुझे क्या मिलता शफीक भाई को मार के? हम तो वैसे ही सलीम के मरने के बाद अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बड़ी मुश्किल से बटोर पाए, हम फिर से अपनी जिंदगी क्यों बिखेरते? सनोवर, सच्चा प्यार था तेरा सलीम से? था, लेकिन क्या अब उसके कोई मायने हैं? बदला लिया तूने उसकी मौत का? बदले से प्यार तो वापस नहीं आता ना। हाँ, अगर सलीम लौट आता तो मैं जरूर शफीक भाई की जान लेती। बोलो, इसीलिए मारा ना तुमने शफीक को? क्या बोलूं सर,
अगर शफीक को मारकर मेरे भाई की सजा कम हो पाती तो जरूर मार डालता उसे। मार डालता नहीं, मार डाला तूने। साहब आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं मुझे इन सभी बातों में फंसा करके। सीधी बात है, मैंने शफीक अंसारी को नहीं मारा। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरे भाई की जिंदगी बनाने में लगी। उसे अफसोस है और वो बेहतर आदमी बनना चाहता है, तो फिर क्यों मैं इन सबके बीच एक सरफिरे आदमी का कत्ल करके अपनी जिंदगी को निकम्मी बनाऊंगा। शफीक अंसारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाई लेवल ऑफ अल्कोहल दिखा रहा है। सर सलीम मिर्जा को भी पीट पीट के मारा था। सीधा सीधा रिवेंज केस है सर, मोटिव बदला है, क्लियर कट। पर हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक साल पहले इसी मोहल्ले की इसी गली से सलीम का जनाजा उठा था और अब सलीम के कातिल शफीक का जनाजा उठ रहा था। एक साल पहले हुए सलीम के मर्डर ने कई परिवारों की खुशियों को दफन कर दिया था और एक साल बाद शफीक के कत्ल से भी कई परिवार बर्बाद हो चुके थे। एक लीड मिली है साहब, पता नहीं कितने काम किए। बोल। एक बंदा है, सलीम का अच्छा दोस्त हुआ करता, 5 दिन से घर पर ही पड़ा है, टैक्सी चला ही नहीं रहा, पूरा हिल गया है साहब। शोएब अली नाम है उसका। शोएब, जिस जगह पे तू बैठा है ना, आज से 1 साल पहले तेरे मोहल्ले का अयाज कादरी यहां बैठा था। अयाज भी किसी की बातों में आकर बहुत बड़े जुर्म में शामिल हुआ था, आज तक पछता रहा है वो। किसकी बातों में आ गया शोएब? एक बार बोल देगा ना, डर कम हो जाएगा। फयाज कहाँ है? जीनत। हाँ। कब तक ऐसे ही मायूसी में जिएंगे हम? पता नहीं, हम जी भी रहे हैं क्या फयाज? काश, काश मैं सब कुछ पहले जैसा कर पाता। अब वो होने से रहा, बस अब नीलोफर और शफीक की जिंदगी पहले जैसे हो गई। जमानत हो गई उसकी। खून खौलता है मेरा, उसे देखता हूं तो। मेरे सलीम को पीट पीट कर मारा, हमारे सलीम को। फयाज, इस शफीक को जमानत मिलती है तो मेरे सलीम को इंसाफ कैसे मिलेगा? मुझे मेरे सलीम के लिए इंसाफ चाहिए फयाज, मुझे इंसाफ चाहिए। कि सलीम को मारकर मेरा घर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गया। आप भी गलती मत करो, कानून पकड़ ही लेगा फयाज। बर्बादी होगी, सिर्फ बर्बादी। उसकी नसीहत का रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ मुझ पर। जैसे सलीम को मारा था ठीक वैसे कूट कूट कर मार डाला मैंने।
काश तुमने उसकी बात मान ली होती। उसकी नसीहत तजुर्बे से थी, फिर भी शफीक को तुमने मार डाला। वो तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने ही मारा शफीक को। तुमने तो ये भी कहा था कि तुमने सलीम को भी मारा है। उसकी हिफाजत नहीं कर पाई मैं, मरने दिया तो मैंने ही मार डाला ना उसको। एक और जुर्म किया है तुमने, जो सलीम को ना बचाने से या शफीक को मारने से कई गुना ज्यादा संगीन है। क्या? शोएब, एक मासूम जवान बच्चे के हाथ जबरदस्ती खून से रंग दिए, ठीक उसी तरह जैसे शफीक ने अयाज के रंग दिए थे। सलीम मेरा इकलौता था। बंद करो ये बकवास। इकलौता था सलीम तुम्हारा? इकलौता था सनोबर नीलोफर की इकलौती थी। तुम दोनों ने मां बाप का प्यार दिया अपने भाई बहन को, पर कभी यह सोचा कि शोएब भी किसी का भाई है, बेटा है, या अयाज भी? मुझे समझ भी नहीं आता कि तुम लोग अपने घर से इतने जुड़े हुए हो, किसी और का घर कैसे बर्बाद कर सकते हो। जीनत, तुम्हारा प्यार पहले से ही अपने आप से था, सिर्फ अपने आप से। इस केस ने मायूसी और अफसोस का एक लंबा कारवां जुटा लिया था। इस केस के जीवित पीड़ितों का दर्द दुगना इसलिए हो गया था क्योंकि एक जुर्म से किसी ने सीख नहीं ली और इतिहास फिर से दोहराया गया। कानून की नजरों में पहले एक आरोपी था जिस पर कत्ल के चार्जेस लगे थे, और अब वही चार्ज कुछ और लोगों पर लगा है जिन्होंने पहले केस के आरोपी का कत्ल कर दिया। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।